तो है गाइस, एचपी आ चुका है वापस अपनी फॉर्म के अंदर। सिर्फ और सिर्फ 15 दिन के अंदर जो है बैक टू बैक अपने गेमिंग लैपटॉप्स लॉन्च कर रहे हैं। सबसे पहले ओमन सीरीज को लॉन्च करा, उसके बाद एचपी विक्टर सीरीज को अनाउंस करा इंडिया के अंदर, अनाउंस तो नहीं लिस्ट करा, और अब यहां पर एचपी पवेलियन गेमिंग राइजन 750-800H वाला मॉडल 90,000 रुपीज के अंदर लिस्ट कर दिया फ्लिपकार्ट के ऊपर। और जब मैंने इस मॉडल को देखा ना, तो मेरे अंदर दोबारा से आस जागी कि भाई बजट में RTX 3050 अभी भी आ सकता है। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे HP Pavilion Gaming के बारे में, अगर स्पेसिफिकली बताऊं Ryzen 750-800H वाले मॉडल के बारे में। तो आज की वीडियो में हम लोग सबसे पहले जानेंगे इसकी स्पेसिफिकेशंस, फिर हम लोग बात करेंगे प्राइसिंग के बारे में, क्या झोल है नहीं है, सब कुछ इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं। लेकिन फिर भी अगर वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइबर तो हमने 10,000 करना ही है, अब करके छोड़ेंगे 10,000 तो ठीक है, फिर कर दिया सब्सक्राइब। चलो बिना टाइम वेस्ट करें शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं स्पेसिफिकेशन से। इस वाले लैपटॉप के अंदर हम लोग को 8 कोर्स और 16 थ्रेड्स वाला सीपीयू मिलता है, जिसका नाम है Ryzen 750-800H। ये वाला सीपीयू बहुत ज्यादा बीस्ट सीपीयू है, जो 1,30,000-1,20,000 वाले लैपटॉप होते हैं उसमें भी यहाँ पर बहुत कम ही हम लोगों को देखने को मिलता है। 1.5 लाख वाले लैपटॉप भी हैं जिसके अंदर Ryzen 750-800H है। तो जो प्रोसेसर है वो काफी अच्छा है, अप टू 4.4 GHz की बूस्ट क्लॉक स्पीड भी इसके अंदर है। ग्राफिक्स कार्ड के बारे में बात करें तो RTX का 3050 इसके अंदर हम लोगों को मिलता है, जो कि 4GB की VRAM के साथ आता है। मानता हूं कि ये बहुत अच्छा ग्राफिक्स कार्ड नहीं है कि आप इसके अंदर 2K वाली गेमिंग कर पाओगे अल्ट्रा सेटिंग्स पर, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन फिर भी इस प्राइस सेगमेंट में अगर हम लोग देखेंगे, यहां पर हम लोग को इसे ROG मिलता है जिसके अंदर हम लोग को बहुत अच्छी स्पेसिफिकेशंस मिलती है, बट इस लैपटॉप को देखने के बाद वो नजरअंदाज हो गई है। यहां पर Acer ने भी अपना लैपटॉप लॉन्च करा था Nitro 5 विद RTX 3050 और Ryzen 550-600H, जो कि इसके सामने फीका पड़ गया। Asus ने एक और लैपटॉप लॉन्च करा था अपना TUF-F15, उसके अंदर i5 के 11th जनरेशन था, तो वो तो पहले नजरअंदाज हुआ हुआ था। तो इसी कंपटीशन में जो जो भी गेमिंग लैपटॉप्स है उसको तो ये काफी आसानी से डिफीट कर देता है, सिवाय MSI के छोड़ के, क्योंकि उसके अंदर RTX 3060 लगा हुआ है। बाकी प्रोसेसर और ग्राफिक कार्ड की जो TDP है वो HP ने मेंशन नहीं करी हुई है, क्योंकि ये उन्होंने अपनी खुद की वेबसाइट पर भी लिस्ट नहीं करा हुआ। अगर हम लोग इस वाले लैपटॉप की परफॉर्मेंस के ऊपर एक ओवरलुक डालें तो आप GTA 5 जैसी गेम्स जो है वो इजीली स्ट्रीम भी कर सकते हो, क्योंकि इसके अंदर 16GB की रैम है। और अगर आपको आजकल के गेम्स खेले हैं, हैवी गेम्स खेले हैं, तो आप लो टू मीडियम सेटिंग्स पर 60 FPS आराम से निकाल पाओगे मोस्ट ऑफ द गेम्स में। स्टोरेज के बारे में बात करें तो यहाँ पर 512 GB की SSD लगी लगाई मिलती है। 1 TB की SSD आप लोग लगा सकते हो, ऑलमोस्ट श्योर ही है, क्योंकि पिछले वाले मॉडल में तो लगा सकते थे, इस वाले मॉडल में मेंशन नहीं करा हुआ है, बट शायद से लगा ही सकते हैं। डिस्प्ले के बारे में बात करें तो यहाँ पर हम लोगों को 144Hz का पैनल मिलता है, तो शुक्र है भाई डिस्प्ले के मामले में हम लोग कॉस्ट कटिंग नहीं मिलती है। 72% की NTSC मिलती है, लेकिन 100% sRGB का कलर गैमट नहीं है। ऐसा जरूरी नहीं है कि जिसके अंदर 72% की NTSC होगी उसके अंदर ही 100% की sRGB होगी, बिल्कुल भी ऐसा जरूरी नहीं है। 62.5% की sRGB है, ध्यान रखना इस बात का। बैटरी के बारे में बात करें तो इस वाले लैपटॉप के अंदर हम लोग को 52 Wh की बैटरी मिलती है, जो कि एक डिसेंट बैटरी है। ऐसा नहीं है कि बहुत ही बढ़िया है, एक डिसेंट बैटरी है, एक एवरेज बैटरी कह सकते हो आप, क्योंकि इसके अंदर आप लोगों को मैक्सिमम टू मैक्सिमम नॉर्मल यूजेज पे भी जो बैकअप मिलेगा वो नॉट मोर देन 3 आवर्स ही होगा, इससे ज़्यादा ऊपर नहीं होगा। तो GPU की TGP और प्रोसेसर के TDP के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं है, तो हो सकता है ये थोड़ी सी कॉस्ट कटिंग वहां करी गई हो, वो पार्ट जो है एक सॉफ्ट कॉर्नर हो सकता है, क्योंकि वहां पर चीजें छुप सकती हैं। तो ये थी इस वाले लैपटॉप की स्पेसिफिकेशंस। अब हम लोग बात करते हैं क्या झोल है इस लैपटॉप में। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अभी वाला लैपटॉप अवेलेबल नहीं हुआ है बाय करने के लिए, तो ऐसा हो सकता है इस वाले लैपटॉप की हाइप बनाने के लिए इसको 90,000 रुपीज में लिस्ट करा गया, बट ये बिकेगा 1,00,000-1,10,000 का, ऐसा हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर HP विक्टर्स जो है वो 57,000 रुपीज का लिखा था इन्होंने, और हैव एक्चुअली में 1,57,000 रुपीज का, तो वहां पर भी इन्होंने झोल खेला था हमारे साथ, तो इसलिए HP पे भरोसा करना थोड़ा सा मुश्किल हो गया आजकल, बट लेट्स सी कि अब तो 90,000 रुपीज ही निकले। और अगर इस वाले लैपटॉप की सही में प्राइस 90,000 रुपीज निकलती है तो HP हमारे लिए बहुत बड़ी ब्रांड बन जाएगी इस साल के लिए, क्योंकि HP Omen सीरीज भी बहुत अच्छे प्राइस पर लॉन्च करी है। HP Pavilion भी अगर अच्छे प्राइस पर लॉन्च हो जाए तो HP Victus जो है वो भी काफी अग्रेसिव प्राइस पर आने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे उसके। बाकी इस वाले लैपटॉप के ऊपर मेरी क्या रिकमेंडेशन रहेगी, अगर सेम प्राइस और सेम स्पेसिफिकेशन के साथ आएगा तो मैं कहूंगा कि हाँ भाई आप लोग इस वाले लैपटॉप को ले सकते हो। कूलिंग पैड की आप लोगों को जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये थिन एंड लाइट लैपटॉप है, सिर्फ और सिर्फ 2 किलोग्राम का ये लैपटॉप है, 1.98 किलोग्राम टू बी मोर स्पेसिफिक। ये पूरे अच्छे तरीके से गेमिंग लैपटॉप नहीं है, मतलब इसके अंदर जो पंखे शंखे हैं वो इतने बड़े आप लोगों को नहीं मिलेंगे, तो उसके लिए आपको कूलिंग पैड अलग से लेना पड़ेगा। अगर इसकी प्राइस 95,000 रुपीज तक रहती है तो ठीक है, लेकिन अगर 1 लाख के आसपास पहुंच जाता है तो फिर आप लोगों को और लैपटॉप का वेट करना चाहिए, क्योंकि RTX 3060 भी जो है इस प्राइस सेगमेंट पे टच होने लग जाता है। बाकी यार फिर सब कुछ तो आप लोगों ने कर ही दिया होगा, नीचे जो भी दिया हुआ है डिसलाइक
और रिपोर्ट के बटन को छोड़ के सब कुछ आप लोगों ने कर ही दिया होगा। बाकी इस वीडियो में कुछ बचा नहीं बताने के लिए, तो फिर मैं तो आपसे वीडियो में एक मिनट आपके साथ में, तब तक के लिए बाय।